तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट के को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। उसके टाइटल को लेकर, उसका जो टाइटल है वो अनाउंस हो रहा है, लेकिन मैं आपसे इसके टाइटल और प्रोजेक्ट के बारे में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे बात करूंगा सलार के टीज़र के बारे में। अब इसका जो सलार का जो टीज़र है वो भाई अगले महीने यानी कि 7 जुलाई को इसकी अटकलें चल रही हैं, 7 जुलाई को इसके रिलीजिंग की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सलार के मेकर्स की तरफ से तो नहीं आया है। तो ये कितनी सच्चाई है, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, मैं इसी बारे में आपसे आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सलार की अगर मैं पहले बात करूँ, सलार का जो टीज़र है, ऐसा सोर्सेस की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है 7 जुलाई की, ठीक है। अब इन्होंने 7 जुलाई ही क्यों रखा, 17 जुलाई भी रख सकते थे, 27 जुलाई भी रख सकते थे। सोर्सेस की तरफ से 7 जुलाई ही क्यों आ रही है न्यूज, आगे पीछे भी तो हो सकती थी। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए मेकर्स जो होते हैं, मतलब किसी भी मूवी के मेकर्स आप ले लीजिए, वो कभी भी ऑफिशियली तरीके से इतने दिन पहले कभी अनाउंस नहीं करते। इक्का दुक्का कर देता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। वो किसी मीडिया के बंदे से बोलते हैं या फिर किसी अदर पर्सन से ये बात बोल देते हैं, जो कि एक बड़ा क्रिटिक्स होता है, उसके ज़रिए ये न्यूज़ सोशल मीडिया और मीडिया न्यूज़ चैनल वगैरह में ये न्यूज़ें जाती हैं। अब लोगों को टेंशन ये होती है, अब लोगों को ये न्यूज़ कच्ची पक्की लगती है। वो इसलिए, अगर देखो मेकर्स खुद अनाउंस करेंगे तब तो बिल्कुल पक्की रिपोर्ट हो जाएगी, लेकिन जो अदर पब्लिक होती है यानी कि सोर्सेस की तरफ से जब ये न्यूज़ आती है तो पब्लिक ये सोचती है यार कहीं ऐसा ना हो, ना भी आए और आ भी आए, मतलब थोड़ा सा टेंशन रहती है, सस्पेंस बना रहता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा मेकर्स उठाते हैं, सस्पेंस बना रहना और एकदम से वो चीज़ें पप देनी, डाल देना। तो इसी में मेकर्स को मज़ा आता है और पब्लिक को भी मज़ा आता है। अगर एकदम से एक चीज़ पता चल जाए कि कोई मैच आ रहा है, कोई मतलब क्रिकेट मैच आ रहा है, और ये पता लग जाए यार मैच फिक्स है और यार इंग्लैंड जीतेगी ऑस्ट्रेलिया से, कोई देखेगा ही नहीं, समझ रहे हो, कोई देखेगा ही नहीं, इतना इंटरेस्ट कोई रखेगा ही नहीं। तो इसी वजह से ये होता है। अभी जो सोर्सेज से ये न्यूज़ निकल के आई है 7 जुलाई की, तो ये 100 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 85% ये न्यूज़ सच्ची है। और 7 जुलाई को इसका टीज़र आ सकता है, जो कि आपने कई सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पे आपने ये न्यूज़ सुन ही ली होगी। अब देखते हैं कि 7 जुलाई को इसका टीज़र आता भी है या नहीं आता है। अब ये तो बात ख़त्म हुई, अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट के की। अमिताभ बच्चन साहब भी हैं और ये मूवी नेक्स्ट ईयर रिलीज़ हो रही है। अब इसका जो टाइटल है उसके टाइटल पे काम चल रहा है, उसका ये लोग टाइटल यूनाइटेड स्टेट यानी कि ओवरसीज में जाके एक इवेंट लॉन्च कर रहे हैं, एक इवेंट वहाँ पे ये डिज़ाइन कर रहे हैं, एक इवेंट वहाँ पे ये रह रहे हैं, वहाँ पे जाके ये लोग इस मूवी का जो टाइटल है वो अनाउंस करेंगे। मतलब सीधा सीधा अगर मैं भाषा में समझाऊँ आपको कि अब इस मूवी का नाम प्रोजेक्ट के नहीं होगा, वो कुछ और होगा, वो जब होगा जब ये लोग इवेंट रखेंगे, वो है दिन 3 जुलाई। मतलब 7 जुलाई को सलार का टीज़र आ रहा है और ठीक 4 दिन पहले यानी कि 3 जुलाई को प्रोजेक्ट के का टाइटल अनाउंस हो रहा है। ये भी एक अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि एक मोस्टली ऑफिशियल ही अनाउंसमेंट है, जो कि ये लोग ये न्यूज़ आ चुकी है ऑफिशियली। अब देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट के का जो टाइटल है उसका क्या नाम निकलता है। सलार का टीज़र का भी हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हो सकता है कि जवान का जो टीज़र है वो भी हमें नेक्स्ट मंथ ही देखने को मिल सके, क्योंकि देखो अभी जवान को लेकर ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है जो कि हम ये सोचें कि हो सकता है इसका टीज़र आ जाए। यहाँ तक के 25 और 26 जून को भी कच्चा पक्का ही है, कोई पक्की न्यूज़ नहीं है कि इस दिन इसका कुछ आ सकता है, ग्लिम्स आ सकता है या कुछ पोस्टर आ सकता है, ऐसा सोर्सेज की तरफ से आ रहा है। में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ आए जवान का, लेकिन पक्का नहीं है, देखते हैं। चीज मूवीज तो देखो बहुत सारी हैं, सलार, जवान, प्रोजेक्ट के, पुष्पा, बहुत सारी, टाइगर 3, अब जो बारिश होने वाली है वो सारी अच्छी मूवीज़ की होने वाली है, तो
तो दिल थाम के बैठिए और दिल थाम के मूवी के टीजरों का इंतज़ार करिए, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। एक से बढ़कर एक मूवीज़ आपको देखने को मिलेगी, मज़ा आएगा देखने में, मेकर्स के भी मज़ा आएंगे और हम लोगों को भी मज़ा आएंगे। तो फिलहाल ये है कि जैसे ही कोई अपडेट निकल के आती है तो आपका भाई आपको ज़रूर बताएगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, आप हमारे चैनल से हमें जो अपने आप को जोड़ के रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो चैनल का जो बेल आइकन होता है उसको प्लीज़ प्रेस कर दें, ताकि जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। तो चलता हूं दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग।